सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर डेटा फॉर योर ऐप शीट ऐप का। बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले अपने यूजर नेम को कॉपी करना और ये ऐप शीट को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना है। मिल जाएंगे, इसमें आपको गूगल को सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपको आपका यूजर नेम पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जो इधर आ जाना है, इसमें जो है पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। ये काम तो भैया हमारा डन हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड पे जैसे ही क्लिक करोगे, इधर आपको बोलेगा कि आप ऐप शीट में इस अकाउंट से एक्सेस लेना चाहते हो, तो इधर अलाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली बैक पे आना है, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल करो, येलो जो पार्ट है हमने डन कर लिया है। ये पूरी स्टेप्स जो है हमने डन कर लिए एंड ये सारी जो चीजें हैं ये हमने पूरा डन कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया आप कर लो कॉपी द ऐप, ठीक है। कैसे करेंगे भैया हम ये कॉपी द ऐप वाला पार्ट, तो इस पे जो है राइट क्लिक करना, इसको जो है एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो है हमने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लिया है भैया। अब हमें क्या करना है, सो अगर आपको ऐसा इंटरफेस ना दिखे जैसा मेरा है, तो आपको जो है इस चीज पे क्लिक करना है। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इधर तो आ गए। अब हमें क्या करना है, क्लिक कॉपी ऐप फ्रॉम द लेफ्ट पेन, ठीक है। क्या करना है, इधर आ जाना है। इधर से जो आपको रीड ओनली मोड दिया गया, तो मैं अभी इस पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। कॉपी ऐप पे आप क्लिक करो, इधर आपको ऐप का ऑप्शन दिख जाएगा। इधर आपको क्या करना है, इधर आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आपको कस्टमर कॉन्टेक्ट करके इस पार्ट को कॉपी कर लेना है। देन आपको जो है अगेन इधर आ जाना है, इसकी जगह पे आप जो है नेम की जगह पे इसको पेस्ट कर दो और नॉर्मली कॉपी कर दो इस ऐप को, ठीक है। सो ये जो है आपके लिए कॉपी बना देगी इस ऐप की। देन आपको जो है कस्टमाइज ऐप पे क्लिक करना है, बट हमारा ये काम जो है डन हो गया है। चेक में प्रेस पे क्लिक करो, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है कुछ इस टाइप के पेज पे हम आ गए। अब इधर आपको डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है। डेटा पे क्लिक करोगे, इधर आपको जो ये दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट वाला पार्ट तो दिख रहा है भैया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है हमें बोला गया कॉपी पेस्ट द बिलो लिंक इन योर ब्राउजर टैब, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दो। एंड ये वाला पार्ट भी आप स्किप कर सकते हो। हमें क्या करना है, इन द कस्टमर कॉन्टेक्ट ऐप शीट UI यूज द लेफ्ट नेविगेशन बार एंड गो टू डेटा एंड देन कॉन्टेक्ट के अंदर जाना है आपको। फिर क्या बोला है, टू एड अ सेकेंड डेटा सोर्स टू योर ऐप क्लिक ऑन एड न्यू डेटा देन एड डेटा फ्रॉम गूगल शीट। ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दो ये सब। एंड आपको क्या करना है, आपको जो बोला गया कि यार आपको जो सेटअप करना है ऐप को विद सेकेंड डेटा सोर्स, ठीक है यार, ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इसी टास्क से आने वाला है। सो हमें ये प्रोसेस को भी फॉलो करना है। क्या करना है, इस पे जो है हम राइट क्लिक कर देंगे, इसको जो है हम इनकॉग्निटो में ओपन कर लेंगे। थर्ड टैब हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद मेक अ कॉपी पे आपको क्लिक कर देना है। मेक अ कॉपी जैसे ही क्लिक करोगे, इधर आपके सामने और ऑप्शन ये बोलेगा, ये रख देगा, मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते तो ये रख देगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। हमें जो है नेम चेंज करना है इसका, कंपनीज का, तो फुल स्टॉप कॉपी मत करना, एरर आ जाएगी, ठीक है। फुल स्टॉप है उसके आखिरी में, तो वो जिसका ध्यान रखना। एंड साथ ही साथ स्पेस भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। सो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अगेन बैक जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नेविगेट टू drive.google.com, तो इस पर राइट क्लिक करके इसको जो है इनकॉग्निटो में ओपन करना। चौथा टैब हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। सो ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर से आके जो है हमें बोला गया है कि कंफर्म फाइल हैज बीन सेव टू योर माई ड्राइव, हाँ सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन कस्टमर कॉन्टेक्ट ऐप शीट UI यूज द लेफ्ट नेविगेशन पैनल, डेटा में जाना है देन कॉन्टेक्ट में जाना है, ठीक है। एंड टू एड सेकंड डेटा सोर्स टू योर ऐप क्लिक एड न्यू डेटा टू द नेक्स्ट टू द डेटा, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब अपने फर्स्ट नहीं, अपने सेकंड टैब पे चलो, ये वाले टैब पे, ठीक है। इधर हम तो आ गए डेटा पे भैया। अब इधर हमें क्या ऐड करने का बोल रही है, तो हमें बोला गया कि यार ऐड के ऐड न्यू डेटा के पेज पे हमें ऐड करना है इस चीज को, ठीक है। सो ये तो जो हम टेबल पे आ गए। अब भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ है ऐड न्यू डेटा, तो अगेन लेगेसी मोड पे सिलेक्ट, स्विच हो जाओ। स्विच होने के बाद इधर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दूं। एंड क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, एज अ को-ऑथर डोंट हैव अ परमिशन टू ऐड अ न्यू डेटा, प्लीज आस्क द ऐप ओनर टू ऐड अ न्यू डेटा, ठीक है। यार ये काम भी हम कर लेते हैं भैया, ये ऐसे नहीं तो अब कैसे होगा ये चीज। सो यार इधर जाओ यूजर सेटिंग्स में, यूजर सेटिंग्स में जैसे जाओगे, सॉरी इधर जाना आपको जो है मैनेज पे जाना है। मैनेज पे आने के बाद आपको सेटिंग्स पे आना है। इधर सेटिंग्स पे आने के बाद आपको जो है नीचे दिखने को मिल जाएगी काफी सही चीजें। इधर जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड एक सेकेंड में जो है अच्छे से इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। एंड फिलहाल मैं आप ये चेक करूँ कि आपकी यूजर नेम वही है कि नहीं है। सो मेरा आखिरी में दिया गया है 8D6, मैं चेक करता हूँ क्या यही मेरा यूजर नेम है 8D6, ठीक है यही यूजर नेम है। यार भैया फिर क्या एरर आ रही है ये बता दो आप जल्दी फटाफट। इन द फाइल पिकर बोल रहा है कि आप ऐसे सेलेक्ट करो, बट वो सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए।
सो यार अब समझो क्या सीन हो रहा है इसके अंदर। तो मैं जो है अगेन अपने डेटा पे आ जाता हूँ, ठीक है, इधर जो है मैं इस डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको जो इधर क्लिक करना है, एज अ को ऑथर यू डोंट हैव अ परमिशन, ठीक है, ये बोला है कि एज अ को ऑथर आपके पास परमिशन नहीं है। अब हम ऐप पे जाते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जो है मैं इस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ऐप पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक ऐप पे क्लिक करता हूँ। इधर जो नेम है यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम की जगह पे हमें जो इधर आ जाना है। इधर आने के बाद जो अगेन अपने फर्स्ट वाले टास्क में जाना, फर्स्ट वाले टास्क में जाने के बाद आपको जो इधर से कस्टमर कॉन्टेक्ट नाम से इस चीज को कॉपी कर लेना है, इधर आना है एंड इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड इधर से क्रिएट ऐप पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये जो है हमारा एक नया पेज ओपन कर देगा, यहाँ पे हमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऐप था जो हमने सबसे पहले ओपन करा था। तो ये जो है ये लोड हो रहा है, इधर कस्टमाइज योर ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इधर प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ना दिखे इस पे क्लिक करना तो ऐसा पेज आ जाएगा, और अगर आप इस ऑप्शन पे नहीं हो तो इस ऑप्शन पे जरूर आ जाना। देन प्लस पे क्लिक करना, इधर आपको देखने को मिल गया ये आपका गूगल शीट। अब आपको क्या करना है, बैक आना है, चेक करना है भैया क्या बोला गया है उसने। तो ये जो है हम नीचे स्क्रोल कर लेते हैं, नीचे स्क्रोल करने के बाद जो है बोला गया कि गूगल शीट से आप ऐड कर लो डेटा को, तो हम इधर आ जाते हैं। ये रही हमारी गूगल शीट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इधर कंपनीज को सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट पे क्लिक कर देना। सो ये जो है हमारा काम डन हो गया, इधर जो है ऐड दिस टेबल पे आ जाएगा, इसमें क्लिक कर देते हैं। सो ये हमारा जो सारा काम है वो डन हो चुका है डिफॉल्ट सेटिंग्स पे, और अब हमारी चीजें भी ऐड हो चुकी है। चेक में प्रेस पे क्लिक करना, टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड ये जो है हमारे दो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। भैया अब थर्ड टास्क को कैसे कंप्लीट करें, नीचे स्क्रॉल करते चलते भैया। अब ये बोला कॉन्फिगर योर ऐप डेटा स्ट्रक्चर को, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, अगले टास्क को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। नीचे स्क्रॉल कर देना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, रीजनरेट योर ऐप डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, आपको जो अगेन इस पर क्लिक करना है और एक न्यू टैब में इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। सो ये जो है आपका कॉन्टेक्ट वाला पेज जो है ना, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के लिए जो पेज ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एड अ न्यू कॉलम हेडर इन द रो वन, ठीक है। हमें जो बोला गया है कि एक न्यू कॉलम हेडर बनाओ कॉलम एफ के अंदर, जिसका नाम होगा लेटेस्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इधर आ जाएंगे, इधर आने के बाद अगर ओपन नहीं हुआ है तो इधर मैं गॉट इट पे क्लिक करता हूँ, इधर मैं डबल टैप कर देता हूँ, तो ये जो है एक और नया पेज ओपन हो गया है एंड इधर जाके आपको जो इसको पेस्ट कर देना है। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया है, अब आपको बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, स्विच टू द डेटा कॉन्टेक्ट, क्लिक मोर थ्री डॉट्स एंड कॉन्टेक्ट टाइटल, कॉन्टेक्ट टाइल एंड देन सिलेक्ट रीजनरेट स्कीमा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब हमें क्या बोला गया है कि आप जाओ अगेन फर्स्ट वाले टैब पे अपने, इधर आ गए हम इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, ये हम आ गए इस टेबल पे, अगेन हम इधर आ जाना है, बोला गया है डेटा कॉन्टेक्ट, स्विच टू कॉन्टेक्ट एंड वहां पे थ्री डॉट्स होंगे, उसके बाद आपको रीजनरेट स्कीमा करना है। सो अभी हम डेटा पे ही है, ठीक है। डेटा पे आने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ना, ये मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये तो ऐसे कैसे दिख रहा है, अब आपको क्या करना है, इधर से जो है रीजनरेट स्कीमा पे आपको क्लिक कर देना है। इधर रीजनरेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो टास्क है वो वाला जो पार्ट है, मतलब वाली लेवल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम बैक आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन आपको क्या करना है, यूज द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट चेंज द लेटेस्ट कॉन्टेक्ट कॉलम टू द डेट टाइम, ठीक है यार। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के ऐप शीट में हमें कुछ चेंजेस करने, क्या बोला गया है कि यार यूजिंग द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट चेंज द टाइप टू द लेटेस्ट कॉन्टेक्ट कॉलम एंड, ठीक है ठीक है, ये सब करने की हमें जरूरत है क्या, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ एंड ये क्या बोला गया है, एक और बार देख लेते हैं हम। टाइप ड्रॉप डाउन टाइप में जो हमें इसको जो है टाइप 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 कहीं पे दिया गया, ठीक है। स्किप करो यार इस चीज को अभी एंड हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस चीज को अभी हमें सेव कर लेना है। तो ये जो है हम अपने ऐप को सेव कैसे करेंगे भैया, इन तीन डॉट्स पे क्लिक करने से सेव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो अगेन लेगेसी मोड को स्विच करके नॉर्मल मोड पे आ जाओ, टेबल पे आ जाओ। टेबल पे आने के बाद जो ये सब कुछ कॉलम्स आ जाएंगे, अभी इसी पे रहना, ठीक है। अब हमें जो है बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमने जो अपना रीजनरेट कर लिया है ऐप का स्कीमा, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है किसके बीच में। सो बोला गया इन कॉन्टेक्ट शीट ऑन गूगल ड्राइव एड ए न्यू कॉलम हेडर रो वन जी कॉलम, कंपनी आईडी हमें जो है करना है। तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है भैया, सो हमें जो है अपनी शीट खोलनी, कौन सी शीट, जो हमने लेटेस्ट वाली खोली थी ना कॉन्टेक्ट वाली, ये वाली जिसमें हमने पेस्ट करा था, इसको जो है जी वाले कॉलम में पेस्ट कर देना। अगेन बैक आ जाना, नीचे स्क्रॉल करना, अब हमें अगेन डेटा में जाना है, उसको रीजनरेट करना है। इधर आते हैं, फर्स्ट वाले टैब में जाओ, सॉरी सेकंड वाले टैब में जाओ एंड सेकंड वाले टैब में जाके अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में थे क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार गाइस। हाँ हम फर्स्ट वाले में थे। इधर आपको जो है अगेन इसको स्विच करना है नॉर्मल मोड पे एंड अगेन कंपनी में जाएंगे एंड इधर से जो है आपको
इस रीजनरेट स्कीमा पे रीजनरेट कर देना है। ठीक है, सो ये जो काम है हमने डन कर लिया है। अगेन हमें बैक जाना है, नीचे स्क्रोल करना है। नीचे स्क्रोल करने के बाद हमें क्या बोला है कि देन रीजनरेट टू कन्फर्म, कन्फर्म करने का ऑप्शन आया है क्या हमें, तो यार रीजनरेट इसने कर दिया हमारे लिए, हमसे भी कन्फर्म पूछा नहीं, एक और बार कर देते यार, रीजनरेट कर दिया हमने अगेन। सो यार ये तो जो है हमें मिल नहीं रहा है कंपनी आईडी वाईडी, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करो, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो एंड ये देखो टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो यार आई होप वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लेके आते रहते हैं, जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो पाते हो काफी नॉलेज, गुडीज एंड स्वैग्स को अर्न करने के।